हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी यहाँ पे आज हम अभी हम लोग TCS की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स 11 अक्टूबर को अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो फिलहाल क्या सिचुएशन बनी है, आज के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद फर्स्ट हाफ एन आवर में बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे दिया इसने, ठीक है, और ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास का मोमेंटम दे दिया था। ओपन गैप डाउन ओपन हुआ कहाँ पे अगर देखेंगे तो अपने 3000 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ओपन हुआ था। ये एक ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट देखिए ऊपर की ओर गया था, तो ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और तेजी से यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया है। बहुत ही अच्छा और बुलिश कैंडल यहाँ पे बना रखा है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे IT स्टॉक में बाइंग हैपनिंग दिख रही है और स्ट्रांग बिल्डअप दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये रैली और ये रैली, यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी, यहाँ पे जब बायर्स यहाँ इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर लेके निकल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो नहीं हो पाया था, लेकिन आज अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है, तो कल के दिन ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे ये गैप फिल करने आ जाए और यहाँ पे लगभग लगभग ऊपर वाले टारगेट हम लोग को दिखाया। कैसे वो दिखा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी देख रहे हैं ये लेवल 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे आया ठीक है और ये इस तरीके से पैटर्न बनाया तो ये ब्रेकआउट देगा, तो लगभग लगभग हम लोग को इतना लेवल दिखा सकता है जो कि 3240 के आसपास है। उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो फिर से हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग करेंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल है, मतलब जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, फ्लैट ओपनिंग हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ऊपर की ओर निकल जाएगा। गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए एक बार पहले हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी है, फिर यहाँ पे आके देख लेंगे गैप अप गैप डाउन में हम लोग को किस तरीके से प्ले करना है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 डे टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे सेलिंग का कैंडल नो डाउट बहुत बड़ा था, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। फिर से एक सेलिंग कैंडल बना, लेकिन इसके सामने जो बाइंग कैंडल है बहुत ही बड़े बड़े बन रहे थे, और आज का जो बाइंग कैंडल है अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही बड़ा कैंडल है, मतलब इतना बड़ा कैंडल अभी तक पिछले 2-3 महीनों में हम लोग को देखने को नहीं मिला होगा, उतने अच्छे क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग हुआ है। इसके पीछे क्या रीज़न है आप जाके चेक कर सकते हैं, ग्लोबली मार्केट को एक बार जाके ग्लोबल मार्केट को नज़र डालिए, ये है वो है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है ग्लोबल मार्केट मेरे हिसाब से। देखिए मैं ये इसका जो भी लो है वो एंटिसिपेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ठीक है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये गिर चुका है, इसको यहाँ पे कुछ दिन ऊपर नीचे थोड़ा हो जाना चाहिए ठीक है। एक डिसीजन यहाँ पे पेंडिंग है बायर्स की तरफ से, अगर यहाँ पे बायर्स ट्राई करते हैं और ये ऊपर निकलता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई जाके इसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी बाई कर ले ठीक है। हर शेयर और हर शेयर के चलने की जो चाल है वो अलग होती है, यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है। तो कल थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन ओपन हुआ, याद रखेंगे 3118 के पास हमारे पास क्लोजिंग मिला है ठीक है, लेकिन ये 3100 के नीचे अगर ओपन हो गया तो एक इनसाइड कैंडल ये बनाएगा ठीक है, एक इनसाइड कैंडल बना देगा यहाँ पे, और नेक्स्ट डे जब भी ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तब जाके ये इन लेवल्स को पहले टच करेगा, उसके बाद लगभग लगभग 3160 का टारगेट हम लोग को दिखाएगा। कहीं ना कहीं इस कैंडल का जो लो है वो एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है, समझ गए। थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन सकता है, गैप अप ओपन हुआ ठीक है तो हो सकता है इन लेवल्स के आसपास आके फिर से यहीं से ऊपर क्यों निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है, हो सकता है कल के दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम ना करे, एक छोटा मोमेंटम करे ठीक है। लेकिन हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स एंड टारगेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऊपर की ओर जो हम यहाँ पे प्लानिंग करने वाले हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट से मेरा यहाँ पे मतलब है साफ साफ कि अगर अपने क्लोजिंग प्राइस से ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से 10-15 रुपये ऊपर नीचे ऊपर होता है तो चलेगा। तो यहाँ पे 3128 का अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट जो हम लोग देख सकते हैं वो 3143 का देख सकते हैं, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं वो देख सकते हैं अराउंड 3155 का। नीचे की ओर बात करेंगे तो सेलिंग जो यहाँ पे है वो बहुत जल्दी ट्रिगर नहीं होनी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को बहुत ही बढ़िया बाइंगनेस दिख रहा है यहाँ पे ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है 3780 को, तो यहाँ पे एक हम लोग को नीचे की ओर फॉल देखने को मिल सकता है जो कि इसको 3065 के आसपास लेके आ सकता है। तो इस तरीके का इसका प्राइस एक्शन पैटर्न रहने वाला है। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।